महाराज शेष नाग है बलराम जी, शेष नाग को क्रोध आ जाए तो शेष नाग के ऊपर तिल के समान है पृथ्वी। यदि कभी भूकंप आता है तो यही समझो कि शेष नाग ने थोड़ी भ्रगुटी टेढ़ी की है अपनी। वो यदि कंपित हो जाए, क्रोध आ जाए तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही बलराम जी दौड़े महाराज, यहां महाभारत युद्ध विजय का आनंद ले रहे थे पांडव, नाच रहे थे, जय हो हम जीत गए, कृष्ण की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। इतने में ही आकाश में काले बादल, पृथ्वी हिलने लगी, डामाडोल होने लगी, सूर्य अस्ताचल को चले गए, चंद्रमा उदित ही नहीं हो रहे हैं, एक विचित्र सा माहौल प्रकट हो गया। पांडव बोले, भगवान क्या हो रहा है, ये कुछ अनहोनी का संकेत लग रहा है। भगवान समझ गए, बोले शेष कोपित हुआ है, शेष नाग को क्रोध आ रहा है। शेष नाग मतलब बलराम। भगवान समझ गए सब देवताओं की चाल है, इनको सीधे सीधे युद्ध खत्म हो रहा था उसमें चैन थोड़ी बुला दिया उनको।